साक्षी गुप्ता, आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज खबर वाराणसी से। मोहम्मद सलीम खान। सलीम जी, आज वाराणसी के अब्दुल रहीम शाह अस्थाने पर किस तरीके का आज प्रोग्राम बनाया जा रहा है? ये बाबा अब्दुल रहीम शाह का अस्थाना है, ये बिनिया बाग बनारस में। यहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी छठी मनाई गई। सिर्फ बनारस में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में मनाई जाती है छठी। बहुत ही गरीब नमाज की छठी, तीन कुल होता है, 3, 6 और 9। तो छठी में कि छठी का प्रोग्राम जो होता है, एक बार ऐसा हुआ कि बाबा के हयात में बहुत तंगीत आ गई थी, तो बाबा के जो मुरीद थे वो कहें कि अजमेर शरीफ हमको जाना है, लेकिन इसमें तंगीत आ गई है तो कैसे हम जाएंगे। तो हजरत रहीम शाह दादा जो करम कहें कि आप आंख बंद कीजिए, तो लोग आंख बंद कर किए और अजमेर शरीफ का नज़ारा पेश के हो गया, वो देख लिए। तो इसीलिए तो रहीम शाह दादा कहें कि आप जब वहाँ ये देख सकते हैं तो आप जो लोग ना जा सके तो यहाँ पर आकर छठी का प्रोग्राम मनाया जा सकता है। क्योंकि बाबा अब्दुल रहीम शाह हाजी कारी नस्तबंदी चिश्तिया सहरवर्दिया सब हैं। और बाबा रहीम शाह बात की जाए, जैसे आपने कहा कि जो लोग गरीब नवाज के दर पे नहीं पहुंच पाते हैं तो सरकार रहीम शाह ने मतलब फरमाया, मतलब आपके अस्थाने पर, रहीम शाह के अस्थाने पर यहाँ पर आके हाजिर हों और दुआ खानी हो, इंशाल्लाह वो गरीब नवाज तक पहुँच जाएगा। क्योंकि अल्लाह के वली हैं और पूरे हिंदुस्तान में ही ये आज के दिन वो छठी मनाई जाती है। इसी जगह नहीं, ये बाबा रहीम शाह के स्थान पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आते हैं और हम लोग आपस मिलजुल के हमेशा था जिंदगी, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हम लोग आपस में मिलजुल करके, चाहे किसी भी धर्म का हो, बाबा रहीम शाह से जुड़े हुए हैं, हम लोग छठी यहाँ मनाएंगे। जी हजरत, आपका नाम? मोहम्मद शाहिद उल काजू। शाहिद जी, आप अब्दुल रहीम शाह स्थान पे बैठे जी, स्थाने पे आप किस किस तरीके का मतलब यहाँ पे संभालने वाला कारोबार? यहाँ हर साल सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का छठी मनाई जाती है और इस छठी की बुनियाद अब्दुल सलाम और छोटक हमारे दादा जो थे सरजादा गद्दी नसीन, उन्होंने रखा था। गद्दी नसीन मोहम्मद शफीक उर्फ राजू से बताया कि बेटा ये काम यहाँ बुनियाद डाल दो। आज उन्हीं की डाली हुई बुनियाद पे हम लोग कायम हैं, लगभग 10 साल हो रहा है, 11 साल इस प्रोग्राम को हम लोग बड़े ज़ोरों शोरों से करते आए हैं। और इस वक्त हमारे मोहल्ले के इर्द गिर्द के जितने भी लोग छोटे बड़े भाई सब लोग मिलजुल करके बड़े खलूसियत से सरकार के नाम से दरिया कबली बनवा करके आवाम में यहाँ तस्लीम की जाती है, बांटी जाती है और सरकार का हम लोग जश्न मनाते हैं। आज की तारीख 2 तारीख सरकार रहीम शाह पे छठी का प्रोग्राम मनाया गया और चांद की 6 अंग्रेजी 2 हर साल हम लोग मनाते रहेंगे। और हमारे आवाम बहुत दूर दराज से भी, अपने महल्ले से भी, अपने हर गली से आते हैं यहाँ और सरकार का तबर्रुक खाते हैं और ले भी जाते हैं। बिल्कुल आपने जो बताया वो सही है, मगर आज जो हिंद के वली ख्वाजा गरीब नवाज के सरकार के वहाँ उर्स जो मुबारक और आज छुट्टी मनाई जाती है, उसी को देखते हुए अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है दरगाह शरीफ पे, ये तो वाराणसी बनारस में भी क्या हर जगह मनाई जाती है? ये हिंदुस्तान को बसाने वाले हमारे ख्वाजा साहब हैं और आज उनके नाम की हर घर में, हर मुसलमान के घर में छठी की फांसियाँ मनाई जाती है। जो लोग अजमेर नहीं जा पाते वो अपने घर में मनाते हैं
उनके नाम से फाजिया कराते हैं, गरीब गुरबे में बांटते हैं और उसका मोहब्बत से खुलू